Hello friends, welcome back to my channel. I am Akshay Budulwar and you are watching Physics Corner. So this is the important video for finding the eigenvalues of some special matrix. Now see the matrix number first. तो देखिए जो पहला मैट्रिक्स है वहां पे क्रॉस में सेम एलिमेंट्स है तो उसके लिए जो कि पहला आइगन वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा ए प्लस बी और दूसरा ए माइनस बी. तो देखिए ये मैट्रिक्स इससे सिमिलर है तो लैम्डा वन क्या रहेगा 1 प्लस 2 और लैम्डा 2 क्या रहेगा 1 माइनस 2 योगा 3 योगा माइनस 1. तो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे सच में ये ट्रिक वैलिड है क्या नहीं. 1 2 2 1 देखिए पहले तो कैसे फाइंड आउट कीजिए ट्रेस आ गया 2 ये हो गया ए मैट्रिक्स दैट्स व्हाई डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना बन गया 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3. तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस इनटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा को कैसे लिख सकते हैं अपन माइनस 3 टाइम्स लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0 ये आ लिख सकते हैं. लैम्डा कॉमन तो लैम्डा माइनस 3 रहा यहां पे 1 कॉमन तो लैम्डा माइनस 3 बचे. तो देखिए लैम्डा माइनस 3 दोनों इसमें क्या है तो लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू 3 एंड लैम्डा इक्वल्स टू माइनस. आप चेक कर सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू 3 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस यानी कि विदाउट ये कैलकुलेटिंग देखिए ये अपन ने कैलकुलेशन भी नहीं किया सिर्फ 3 और माइनस 1 मिल गया यानी कि स्पेशल मैट्रिसेस है ना तो क्रॉस में जो भी एलिमेंट सेम रहेंगे उसके लिए. ओके तो ये हो गया फर्स्ट वन. अब देखिए सेकंड वन यहाँ पे देखिए क्रॉस में सेम एलिमेंट से और ये पूरा जीरो है सिर्फ यहाँ पे सी छोड़ के. तो इसके लिए देखो जो कि पहला आइगन वैल्यूज रहेगा वो सी फिर बाद में जो लैम्डा 2 रहेगा वो ए प्लस बी और जो भी लैम्डा 3 रहेगा वो ए माइनस बी. तो देख सकते क्रॉस में एलिमेंट सेम है उसके बाद सी से प्रे तो लैम्डा 1 इक्वल्स टू क्या हो गया सी सी यानी यहाँ पे क्या है 3 और लैम्डा 2 इक्वल्स टू क्या है ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस 2 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3 एंड लैम्डा 3 इज नथिंग बट 1 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस. इतना ही सही. ओके तो देखिए और एक एग्जांपल देख सकते हैं आप. देखिए 2 3 तो 3 2 0 0 यहां पे 5 लीजिए ये 0 0. तो देखिए ये मैट्रिक्स से मैच हो जाएगा. देखिए लैम्डा 1 क्या रहेगा ये 5 लैम्डा 2 क्या रहेगा 2 प्लस 3 5 और लैम्डा 3 क्या रहेगा 2 माइनस 3 माइनस 1. इतना आंसर था. ओके तो ये जो मैट्रिक्स है ये स्पेशल मैट्रिक्स है तो इसको आप आइडेंटिफाई कीजिए अच्छे से फिर बाद में ये जो ट्रिक्स बता रहा हूँ वो फॉलो कीजिए. फिर बाद में देखिए थर्ड वन रोज एंड कॉलम्स आर सेम. अच्छा जिस मैट्रिक्स में देखिए यहाँ पे रोज सेम है तो उस मैट्रिक्स में पहला आइगन वैल्यू 0 तीसरा दूसरा आइगन वैल्यू 0 और तीसरा जो आइगन वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स. इसका ट्रेस क्या है 1 प्लस सॉरी ए प्लस ए यानी कि 3 टाइम्स. तो देखिए ये एग्जांपल देख सकते हैं आप. यहाँ पे सभी एलिमेंट सेम है जहाँ पे रोज और कॉलम सेम है. तो देखिए पहला आइगन वैल्यू 0 दूसरा आइगन वैल्यू 0 और तीसरा आइगन वैल्यू क्या रहेंगे यहाँ पे ए प्लस ए 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो गया 3 बाय 3 के लिए. अब देखिए सपोज कंसिडर कर लीजिए 4 बाय 4 का मैट्रिक्स है और आपके सब 2 एलिमेंट्स है तो देखिए इसमें कैसे रहता है यहाँ पे 4 बाय 4 का मैट्रिक्स है यानी कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 और लैम्डा 4 4 आइगन वैल्यूज रहने वाली है तो सबसे जो लास्ट वाला रहेगा वो क्या रहेगा ट्रेस. तो इसका ट्रेस क्या रहेगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 4 6 8 और बाकी के क्या रहने वाले लास्ट वाला क्या रहेगा ट्रेस और बाकी के सब लास्ट वाला क्या रहेगा ट्रेस बाकी सब जीरो. ये सब n बाय n मैट्रिक्स के लिए वैलिड है. आगे फिर इसके बाद देखिए इसमें भी देखिए रोज और कॉलम सेम है क्योंकि ये डिपेंडेंट है. देखिए अगर इसको अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल रहा और 3 से मल्टीप्लाई कर रहा तो ये मैट्रिक्स मिल रहा यानी कि यहाँ पे जितने भी रोज है और जितने भी कॉलम्स है वो कैसे सेम दैट्स व्हाई. तो देखिए 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है तो लैम्डा 1 0 लैम्डा 2 भी 0 और लैम्डा 3 क्या रहेगा ट्रेस 9 प्लस 4 13 13 प्लस 1 14 0 0 14 है.
अब देखिए इसके बाद की प्रॉपर्टी, जो कि मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए, स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन की डेफिनेशन क्या है, ए ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट इक्वल्स टू माइनस। ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करने वाला जो भी मैट्रिक्स रहेगा वो कौन सा रहेगा, स्क्यू हर्मिशियन। और स्क्यू देखिए ये कैसे रहने वाला है, आइगन वैल्यूज पहला जीरो और दूसरा जो रहेगा आई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और तीसरा माइनस आई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके लिए एग्जांपल एक देख लीजिए आप, जीरो माइनस ऑफ वन आई माइनस ऑफ टू आई, वन आई जीरो माइनस ऑफ थ्री आई, देखिए टू आई थ्री आई और जीरो। तो देखिए पहला क्या रहेगा जीरो, दूसरा क्या रहेगा आई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, यू वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, ये कितना आएगा आई इंटू अंडर रूट ऑफ, ये होगा वन, ये होगा फोर, ये होगा नाइन, नाइन प्लस फोर थर्टीन, थर्टीन प्लस वन यानी कि आई अंडर रूट ऑफ फोर्टीन। और तीसरा क्या रहेगा सिर्फ माइनस ऑफ आई और ये सेम आई, पहला जीरो दूसरा फिर आई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और तीसरा माइनस ऑफ आई। अब देखिए पांचवा, देखिए पांचवे में ये जो क्रॉस मैं कर रहा हूं यहाँ पे जीरो है और बाकी जगह एक ही एलिमेंट्स है, तो पहला जीरो रहेगा दूसरा ए और तीसरा टू ए। देखिए एग्जांपल की तरफ देखेंगे आपको, टू लीजिए जीरो टू जीरो टू जीरो सॉरी यहाँ पे टू जीरो टू, देखिए यहाँ पे सब जीरो आते हैं। ओके तो क्या रहेगा, लैम्डा वन इक्वल्स टू जीरो और लैम्डा टू इक्वल्स टू टू रहेगा और लैम्डा थ्री इक्वल्स टू टू टाइम्स टू रहेगा यानी कि फोर, ध्यान में, क्योंकि देखिए टू टाइम्स दैट एलिमेंट था ना, तो टू टाइम्स दैट एलिमेंट और यहाँ पे एलिमेंट एक ही जगह क्या है टू है, ध्यान में इजी था। अब देखिए लास्ट वन, ये भी बोल दीजिए यहाँ पे देखिए जो कॉर्नर थे ना वहां पे एलिमेंट सेम है बाकी जगह जीरो, तो पहला क्या रहेगा जीरो, दूसरा रूट ऑफ टू एंड दैट एलिमेंट माइनस रूट ऑफ टू एंड दैट एलिमेंट, देखिए जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो, तो देखिए पहला क्या रहेगा जीरो, दूसरा क्या रहेगा रूट ऑफ टू, अब एक ही जगह यहाँ पर क्या है वन वन, तीसरा क्या रहेगा माइनस ऑफ रूट और एक ही जगह क्या है वन। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए जीरो थ्री जीरो थ्री जीरो थ्री जीरो थ्री जीरो, तो देखिए पहला क्या रहने वाला है जीरो, दूसरा क्या रहने वाला है रूट ऑफ टू एंड दैट एलिमेंट, दैट एलिमेंट इज नथिंग बट हियर थ्री, और तीसरा माइनस ऑफ रूट और दैट एलिमेंट इज नथिंग बट थ्री। ओके तो सम स्पेशल मैट्रिसेस के लिए ये स्पेशल ट्रिक्स था। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर करना।